वेलकम, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहाँ होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि फिलहाल रोहित शेट्टी अपने फिल्म सूर्यवंशी को लेकर बिजी हैं, क्योंकि वो फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। ऐसे में अजय देवगन की फिल्म गोलमाल 5 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, दरअसल खबर आ रही है कि इस बार फिल्म का नाम गोलमाल 5 नहीं बल्कि गोलमाल 5 होगा। दरअसल रोहित शेट्टी अंक ज्योतिष पर बहुत भरोसा करते हैं, यही वजह भी है कि फिल्म के नाम से अंक हटाकर शब्दों का प्रयोग किया गया है। सबसे दिलचस्प है कि फिल्म के हीरो अजय देवगन भी अंक ज्योतिष पर काफी विश्वास रखते हैं, तभी तो अजय देवगन ने अपने काम के स्पेलिंग से ए हटाकर अजय देवगन कर लिया है। रही बात गोलमाल 5 की, तो एक तरफ जहां फिल्म का टाइटल फाइनल हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ फिल्म पर काम भी तेजी से चल रहा है। रोहित शेट्टी का कहना है कि गोलमाल सीरीज बनना उनके लिए थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब गोलमाल उनकी नहीं बल्कि दर्शकों की फिल्म हो चुकी है। दर्शकों को पता है कि गोलमाल में क्या मिलेगा। इसी तरह रोहित शेट्टी को भी अपने दर्शकों की पूरी समझ है। जिस तरह दर्शकों को पता है कि रोहित शेट्टी उन्हें फिल्म में कौन सा मसाला कितनी मात्रा में देंगे, वहीं दूसरी तरफ रोहित को भी पता है कि दर्शक को उनकी फिल्म से क्या और कितनी उम्मीदें हैं। ऐसे में आप लोग इस फिल्म के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।